ब्रेड रोल हमारे बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं और क्रंची है। अब मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ। ये ऊपर से जितना क्रिस्पी और क्रंची है, अंदर से उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और सॉफ्ट है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल जो ऊपर से बिल्कुल ही क्रिस्पी और करारा होगा और अंदर से बहुत ही फ्लेवरफुल और सॉफ्ट होगा। जब भी बारिश का मौसम हो या फिर आपको कुछ चटपटा और कुछ अलग खाने का मन हो तो आप इस ब्रेड रोल की रेसिपी को ज़रूर बनाएं। और चलिए रेसिपी देख लेते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, पैन को गर्म होने देंगे और इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए तेल गर्म हो गया। हम इसमें और इसमें 3 चम्मच मूंगफली के दाने डालेंगे। मूंगफली के दाने डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे तेल में अच्छे से चलाते हुए 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे मूंगफली हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही क्रंची होगा। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली डालने से ब्रेड रोल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मूंगफली का। और अब गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे बचे हुए तेल में 1/2 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और सरसों के दाने को अच्छे से चटकने देंगे। 2 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 गाजर, कटा हुआ अदरक और मिर्ची ली हूँ। पैन में बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और बारीक कटा हुआ 1 गाजर डालेंगे और 3 से 4 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च भी डालेंगे। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। और सभी को चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसमें स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे सभी का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। और इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करने से ब्रेड रोल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप कड़ी पत्ता का यूज़ ज़रूर करें। और ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और यहाँ मैंने 10 से 12 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। यहाँ मैंने आलू को 2 से 3 सीटी कुकर में लगा लिया था और आलू अच्छे से उबल गए थे और मैंने इसे छील लिया था। और अब हम इसमें एक एक करके हाथ से इस तरह दबाते हुए आलू को मैश कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने सभी आलू को मैश कर लिया है। और अब हम इसे हाई फ्लेम पे चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे आलू में मसाले अच्छे से मिल जाए और जिससे आलू में सभी मसालों का फ्लेवर अच्छे से मिल जाएगा और आलू का मसाला हमारा बिल्कुल फ्लेवरफुल बनेगा। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे, जिससे आलू का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। आलू को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह चाट मसाला या नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। आमचूर पाउडर डालकर हम इसे आलू में अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे आमचूर का फ्लेवर आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। और आलू के मसाले को मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हम इसे 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। ये देखिए आलू का मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है और ये पैन भी छोड़ने लगा है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और आलू का मसाले को ठंडा होने देंगे। और अब हम चलिए इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे आलू का मसाला हमारा जल्दी ठंडा होगा। आलू के मसाले को प्लेट में डाल करके हम इसे स्पैचुला से चलाते हुए अच्छे से फैला लेंगे, जिससे आलू का मसाला हमारा जल्दी ठंडा हो। आलू के मसाले को रखे हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और आलू का मसाला हमारा ठंडा हो गया है। ब्रेड रोल स्टफिंग या आलू के मसाले को हाथ से इस तरह मिला लेंगे
और इसमें फ्राई किए हुए पीनट डालेंगे या मूंगफली डालेंगे, और मूंगफली डालकर हम इसे हाथ से अच्छे से मिला लेंगे, जिससे मसाले में मूंगफली मसाले में अच्छी तरह से मिल जाए। और मसाले लेकर इसे हाथों में इस तरह गोल घुमाते हुए रोल कर लेंगे, और ब्रेड के साइज में स्टफिंग को हम रोल कर लेंगे, जिससे ब्रेड रोल बनाते समय स्टफिंग इजीली ब्रेड में स्टफ हो सके और ब्रेड रोल का बहुत ही अच्छा शेप आएगा। तो चलिए इसी तरह हम सारे मसाले का रोल बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने सारे मसालों का रोल बना के तैयार कर लिया है। और अब हम एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे, चॉपिंग बोर्ड पे ब्रेड रोल बनाने के लिए ब्रेड लेंगे। यहाँ मैंने 6 से 7 ब्रेड लिया है, और ब्रेड के साइड को हम इस तरह नाइफ से कट कर लेंगे। ब्रेड रोल बनाने के लिए हम ब्रेड का चारों साइड से डार्क पार्ट को इस तरह से नाइफ से कट कर लेंगे, जिससे ब्रेड रोल हमारा इजीली और परफेक्ट बनके तैयार होगा। और ये देखिए, ब्रेड रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने ब्रेड को अच्छे से कट कर लिया है, और बचे हुए ब्रेड का हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और चलिए अब हम इसका ब्रेड रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने बर्तन में 1/2 ग्लास पानी लिया है। हम पानी में ब्रेड को अच्छे से डिप कर लेंगे, और अब ब्रेड को निकाल कर हाथों से अच्छे से दबाते हुए हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। और अब एक स्टफिंग लेंगे, स्टफिंग लेकर हम ब्रेड में अच्छे से चारों तरफ से दबाते हुए रोल कर लेंगे। इस तरह हल्के हाथों से दबाते हुए ब्रेड रोल बना लेंगे, जिससे ब्रेड रोल का परफेक्ट शेप आ जाएगा, और ब्रेड रोल हमारे सारे एक जैसा बन के तैयार होंगे। और ये देखिए, ब्रेड रोल हमारा बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में रख लेंगे, और सेम तरीके से एक और ब्रेड रोल बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने ब्रेड को पानी में अच्छे से डिप कर लिया है, और इसे हाथ से अच्छे से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, और एक स्टफिंग लेंगे, और इसे ब्रेड पर रखेंगे, और इस तरह से चारों तरफ से ब्रेड को अच्छे से स्टफिंग में रोल कर लेंगे, जिससे ब्रेड रोल हमारा इजीली बन के तैयार हो जाएगा। ब्रेड रोल बनाने के लिए आप हमेशा फ्रेश ब्रेड का ही यूज़ करें, और इससे ब्रेड रोल हमारा इजीली परफेक्ट और अच्छा बन के तैयार होता है। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। और इसी तरह हम सभी ब्रेड का रोल बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने सभी ब्रेड का रोल बना के तैयार कर लिया है, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में तेल लिया है, और तेल को गर्म होने देंगे। हाई फ्लेम पे तेल गर्म हो गया है, और अब हम इसमें ब्रेड रोल डालेंगे। ये देखिए, ब्रेड रोल हमारे डालते ही बबल्स आने स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, और हम एक एक करके सारे ब्रेड रोल को तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ये देखिए, ब्रेड रोल को डालते समय आप इसे अलग अलग करके डालें, जिससे ब्रेड रोल आपस में चिपके ना, और ब्रेड रोल को फ्राई करने के लिए आप बड़े फ्राई पैन या कढ़ाई का इस्तेमाल करें, जिससे ब्रेड रोल एक बार में 6 से 7 बनके तैयार हो जाएंगे। ब्रेड रोल डाल करके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे, और हाई फ्लेम पे हम इसे सुनहरा कलर आने तक या लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ब्रेड रोल को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जिससे ब्रेड रोल हमारा तेल ज़्यादा नहीं सोखेगा, और डीप फ्राई करने के बाद भी ब्रेड रोल हमारे ऑयली नहीं लगेंगे। और ब्रेड रोल को इस तरह स्पैचुला से घुमा लेंगे या पलट लेंगे, और इसी तरह सभी ब्रेड रोल को तेल में हल्के हाथों से पलट लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ब्रेड रोल को फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है, और ब्रेड रोल में सुनहरा कलर भी आ गया है। और इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम ब्रेड रोल को एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।
और ये देखिए यहाँ मैंने एक एक कर सारे ब्रेड रोल को तेल में से निकाल लिया है। और सेम तरीके से बाकी बचे हुए ब्रेड रोल को भी हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने ब्रेड रोल को फ्राई करके निकाल लिया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार हुए हैं। और अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। मैंने इसे सॉस और चटनी के साथ सर्व किया है, आप इसे अपने पसंद के चटनी के साथ सर्व करें। ब्रेड रोल को आप इस तरह बना करके फ्रीजर में 1 से 2 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और आपका जब भी खाने का मन हो या आपके घर में गेस्ट आने वाले हों तो आप फ्रीजर से 10 मिनट पहले निकाल कर इसे नॉर्मल होने दें और फिर तेल में फ्राई कर लें। इससे आपके ब्रेड रोल बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनके तैयार होंगे